जय राम राम सिया राम राम जय राम 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 जय राम 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 जय राम 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 पधार रघुकुल भो राम पधार रघुकुल भो सबसे पहले जय श्री राम सभी को। यहाँ पे दिवाली से भी बढ़ के दिवाली मनाई जा रही है, ऐसा माहौल 500 साल बाद हम लोगों को सभी को मनाने का अवसर मिला है। जय श्री राम। आज तो यहाँ पर का माहौल दिवाली की रौनक है और ऐसा लग रहा है अयोध्या में ना आकर के रामलला जी हमारे यहाँ राजनांदगांव में विराजमान होने जा रहे हैं। उनके लिए इतने सारे के लोग, सब लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं, इतने उत्सुक हैं कल की दिनांक के लिए कि सबकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। ऐसा है कि कल का इंतजार है बेसब्री से। यहाँ पर तो सब लोग यानी कि प्रभात फेरी भी कितनी निकाल रहे हैं, 4-5 टोलियाँ तो हमारे घर के सामने से भी निकलती हैं सिर्फ इसी खुशी में कि राम लला आ रहे हैं। धन्यवाद। संस्कारधानी राजनांदगांव में दीपोत्सव का 3 दिन का आयोजन हुआ है, जो कल माना मंदिर चौक में हुआ बहुत ही शानदार, और आज बालाजी मंदिर से भारत माता चौक में जो दिए लगे गए उसमें तो इतना अति उत्साह दिख रहा है। यहाँ पे फटाके फूटे हैं और हनुमान चालीसा के साथ आरती हुई है, उसके बाद दीपों का आयोजन हुआ है। दीपोत्सव के बहुत ही आनंद आ रहा है, 500 सालों बाद ये देखने हमें मिल रहा है। कितने लोग कितनी पीढ़ी इंतजार करके राम लल्ला की इंतजार करके मतलब वो चले गए और पंडाल में भगवान रहते थे, पानी बरसता था, आज उनके लिए महल बना है। इतने खुशी का माहौल है चारों तरफ, इतनी खुशियां हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। साल में अब 2 बार त्यौहार बनाने का वो आया है, राम लल्ला की प्रतिष्ठा हो रही है, पूरे शहर में फटाके रंगोली गाजे बाजे के साथ सब हर्ष उल्लास के साथ ये त्यौहार जैसा इस उत्सव को मनाया जा रहा है। और दीप उत्सव तो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा राजनांदगांव का माहौल, पूरा अयोध्या यहीं आ गया। अगर हम अयोध्या नहीं जा सकते तो पूरा अयोध्या का मज़ा ये सब उत्सव हम यहाँ आनंद उठा सकते हैं। देखिए श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संस्कारधानी सनातन धर्म सेवा परिवार द्वारा भी इस कड़ी में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रथम दिन माना मंदिर चौक से लेकर जयस्तंभ चौक तक के 1,00,000 दिए प्रज्वलित किए गए थे। आज कार्यक्रम का 2रा दिन है। आप स्वयं देख रहे हैं कि किस तरह से लोग अपने आप में बाहर से और अंदर से राममय हो चुके हैं। कल जो है दिग्विजय स्टेडियम में 5,00,000 से अधिक दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, जो यहाँ के संस्कारधारी वासियों की सहभागिता से हुआ है। उनके द्वारा ही तेल दीपक और अन्य सामग्री प्रदान की गई है। वास्तव में हमारा उद्देश्य सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है, और दूसरा सबसे प्रमुख कारण जो प्रमुख संदेश संस्कारधारी की तरफ से जो देना चाह रहे हैं, धार्मिकता को राष्ट्रीयता से जोड़ना है। धार्मिकता को आप संकुचित अर्थ में ना लीजिए, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। उस सांस्कृतिक धरोहर राष्ट्रवाद को
अध्यात्म को हम राष्ट्रीयता से जोड़ने जा रहे हैं। और ये बात आप चाहे किसी भी हम रहे हमारी हमारे खून में हमारे स्वभाव में ये चीज रस बस गया है, इसको हमको मानना चाहिए। किस प्रकार के प्रतीक बनाए गए और कितने दिए जलाए गए? आज विभिन्न त्रिशूल डमरू ऐसे हमारे अध्यात्म के जो पवित्र चीज़ें हैं जो हमारे आराध्य देव धारण किए रहते हैं उनकी आकृति बनाकर उकेर करके उसमें दीप प्रज्वलित किया गया है और लगभग 151,000 के दीप जो है प्रज्वलित हुए ऐसा अनुमान है जो लक्ष्य लेकर के हम चले थे। आज का क्षण बहुत ऐतिहासिक क्षण है। यदि आप इतिहास में जाएं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस देश में महात्मा गांधी की ज़िंदगी में एक संदेश था, वो था राम राज्य का। राम राज्य की जो धारणा है वो उन्होंने व्यक्त की थी और अपने अंतिम सांस छोड़ते हुए उन्होंने हे राम कहा था। ऐसे उस देश में श्री राम लला के दर्शन का अवतरण की मूर्ति का अवतरण 1949 में हुआ था। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज राम को प्रतिस्थापित करने में 75 साल का अरसा बीत गया और उससे भी पीछे जाए तो लगभग 500 साल बाद आज ये क्षण आया है जब इतिहास करवट ले रहा है और इस देश में अब राम राज्य की कल्पना की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ आज का दिन ऐसा है जो विश्व बंधुत्व और राम राज्य की तरफ बढ़ने का हमारा स्पष्ट संकेत है। इतने वर्ष बाद ये अवसर आया है तो निश्चित तौर पर पूरा हिंदुस्तान का जनमानस हर्षोल्लास में और आज ये जो दीपावली दीप पर्व आज हम मना रहे हैं वो उस हर्षोल्लास की एक अभिव्यक्ति है। और इस अवसर पर सारे राम भक्तों का हम अभिनंदन करते हैं और आज जिनका सहयोग सहकार इसमें हमको मिला उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।